हमारी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि फ़ोटो बैकग्राउंड का फ़ोटो कैसे हटाते हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बैकग्राउंड पे फ़ोटो कैसे लगाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम है पिक्सआर्ट, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करूँगा, जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा दोस्तों, आपको कुछ ऐसा इंटरप्रेस होगा। तो दोस्तों, आपको इधर दिख रहा होगा ये प्लस वाला निशान, आपको इस पर ही क्लिक कर लेना है। इधर आ रहा है एडिट वाला निशान, इस पर ओके कर लेना है। एक फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। हमें जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आपको इधर ऑप्शन दिख रहा होगा कट आउट वाला, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर लेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो आपको अपने हाथ से इसके ऊपर हाथ ऐसे फेर लेना है, अच्छे से पूरे इस पर फेरना है दोस्तों। जैसे ही मैं इस पर फेरूँगा दोस्तों, हाथ पूरे उस पर, जैसे भी आप अच्छे से फेरोगे, ऐसे ही आपको फ़ोटो अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से करिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ज़रा थोड़ा। तो आपको इधर दिख रहा होगा तीर वाला ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो ये ऐसा हुआ या कुछ। तो आपको इधर दिख रहा होगा ये थोड़ा सा नीचे से वो बैकग्राउंड थोड़ा आ जाएगा ना, तो इसे साफ़ कर लेते हैं पहले। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ऐसे हटा लेते हैं। कम भर्ती के लिए दोस्तों ये साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो हमारा तैयार हो गया है, अब हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपके अगर चेहरे पर पिंपल्स वगैरह हैं तो आप इस वाले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन आएगी उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपको मिल सकें। दोस्तों, रोज़ हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना दे रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जाना है जहाँ ये एफएक्स लिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद दोस्तों, आपको इधर वाले सबसे लास्ट वाले पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, लास्ट वाला, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इधर दिख रहा होगा फेस फिक्स वाला, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब अपने फ़ोटो को जूम कर लेंगे थोड़ा, जूम करके अपने फ़ोटो पर थोड़ा थोड़ा हम इसे कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सही हो रहा है। आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स वगैरह हैं तो आप सही कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर वाले पे भी ओके कर सकते हैं, सब पीछे वाले पे, पीछे वाले पे ओके करके भी इसके फेस पे कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने फ़ोटो को सही कर सकते हैं, फिर सेव कर लेंगे।
तो दोस्तों सेव करने के बाद फिर हम वही करेंगे जैसे हमने सेव किया था। तो हम उस वाले ऑप्शन पर जाकर सेव कर लेंगे फ़ोटो अपना, तो ये सेव हो जाएगा। तो हम बैक आएंगे, अब बैक आकर डिस्कार्ड करेंगे। तो हमें अब एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। तो जैसे मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जैसे हमने जो फ़ोटो का बैकग्राउंड हमने हटाया था वही फ़ोटो हम अब इसमें ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐड फ़ोटो का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अपना जो हमने फ़ोटो एडिट किया था, हमने बैकग्राउंड उसका हटाया था, हम उसे क्लिक करेंगे। तो इस पर एक करेंगे तो एक आएगा, दो करेंगे तो दो। तो मैं एक ही कर लेता हूँ, मैंने एक कर लिया। और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा इधर ये मेरा फ़ोटो आ गया है। इधर बड़ा छोटा करने के लिए हम इधर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे को, इस पर क्लिक करके हम ऐसा करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इतना कर लेता हूँ, तो इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। और इसे कम बढ़ती के लिए दोस्तों हमें अगर जितना आपको तेज़ चाहिए इतना हमें 100% रहने देता हूँ, आप जितना कम करो कर लीजिए। और सेव वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप ये फ़ोटो अब कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे भी हम कोई से फ़ोटो का हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया है फ़ोटो जैसे वाला मेरा फ़ोटो है, मैं इसे ही हटाना चाहूँ तो हम वाले बैकग्राउंड से सेव हो गए कोई से भी फ़ोटो हटा सकते हैं, हम वाले बैकग्राउंड अपना बना सकते हैं जैसे पहले था, सेव होगा फ़ोटो भी। जो मेरी पिछली वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।